जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे राउंड टेबल्स भी लगे हुए हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक रिंग दिया गया है और एक रिंग के सामने वन दिया गया है, बच्चे यहाँ वन डालेंगे और एक रिंग है, दो रिंग यहाँ डाला गया है और साथ में यहाँ पे टू है, यहाँ पे तीन रिंग है और यहाँ पे थ्री है। तो इसको सब रीअरेंज करके भी टीचर एक ऐसा एक्टिविटी कराएगा जहाँ पे रिंग्स डाल दिया जाएगा और बच्चे वो नंबर लेके उसके सामने रख देंगे, जिससे बच्चों की गिनती की क्षमता और ये भी याद रहेगा कि वो नंबर कैसा है, वो उसमें आसानी से हेल्प करेगा। हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आए हुए हैं। अभी हम आए हुए हैं बाजार समिति बैंक ऑफ बड़ौदा के अपोजिट। बात किया जाए, आज का जो ब्लॉग बनाने वाले हैं बहुत ही खास बनाने वाले हैं। आज जो ब्लॉग बनाने वाले हैं आप लोग बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल। बात किया जाए, ये स्कूल प्ले टू फिफ्थ क्लास तक चलता है। और चलिए अंदर का पूरा हम एम्बियंस दिखाते हैं, बच्चे लोग को क्या क्या फैसिलिटीज दिया जाएगा इस स्कूल के अंदर, सारा चीज दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और ये पूरा टूर कराने वाली है अंदर। सबसे पहले हेलो मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गीता राय है सर। अच्छा, आप यहाँ मतलब क्या करते हैं? मैं यहाँ पे सेंटर कोऑर्डिनेटर के पद पे हूँ। अच्छा, तो अभी आप हमें क्या विजिट कराने वाली हैं? सर अभी हम आपको हमारे स्कूल का प्ले एरिया दिखाना चाहेंगे। अच्छा, प्ले जो एरिया। जी प्ले एरिया, इंडोर प्ले एरिया, जो कि पटना का सबसे बड़ा प्ले एरिया है। सबसे बड़ा प्ले जी एरिया। सबसे बड़ा प्ले एरिया आपको, ये ऐसा प्ले एरिया आपको पटना के किसी स्कूल में अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस है अंदर। तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं इंडोर प्ले एरिया के अंदर और मैम अभी पूरा बताने वाले हैं क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ पे। जी सर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा प्ले जोन है। अच्छा, और पटना में आपको इससे बड़ा प्ले जोन तो देखने को शायद अभी नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं मिलेगा। अच्छा, वो है। अच्छा, आगे चल के आप देखिए यहाँ पे डिजिटल स्कूटर्स हैं, डुअल सीटर सीसो है, सिंगल सीटर सीसो है। अच्छा, ऐसे किस्म के डिजिटल स्कूटर्स है जिसमे बच्चे अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अच्छे से खेल कूद सकते हैं। और ये स्कूटर चलता भी है नहीं? जी बिल्कुल चलता है। और यहाँ पे हम लोग ने स्पेस भी इसलिए छोड़ा है ताकि बच्चे यहाँ से आराम से यहाँ से ले जाके यहाँ से लेके यहाँ तक स्कूटर को चला सके। अच्छा, और साथ ही ये स्विंग है, स्लाइड है, और साथ में एक बास्केटबॉल थ्रो भी है। अच्छा, वहाँ पे हम लोग ने एक अलग बास्केटबॉल कोर्ट भी बनवाया हुआ है। अच्छा, जिन बच्चों को बास्केटबॉल में बचपन से रुचि हो वो अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो ये भी कर सकते हैं कि वो अगर उनको प्रोफेशनली बास्केटबॉल में जाना है तो बचपन से ही उनको कुछ चीज सिखाना पड़ता है, इसीलिए अभी से ही अगर वो प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो ये उनको हेल्प करेगा। ये प्ले एरिया जो जिनको बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, हमें डांस फील्ड में जाना है, हमें सिंगिंग फील्ड में जाना है, या बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी मतलब अंदर से इंटरेस्ट रहता है हमें स्पोर्ट्स में जाना जी, जी। लेकिन वो स्टूडेंट रास्ता अच्छा नहीं देख पाते हैं, इसके वजह से उनका सपना अधूरा ही रह जाता है जी, जी। और गार्जियन उनके टॉर्चर करते हैं तुम पढ़ाई करो, और बाद में चल के वो डिप्रेस में आके नहीं पढ़ाई ही अच्छा से हो पाता है, नहीं ये भी अच्छा से हो पाता है। तो आप लोग शुरू से ही हर चीज दिखा देते हैं, हर चीज फील्ड के बारे में बता देते हैं, बच्चा आगे चल के उसको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और जिस फील्ड में बच्चा अगर जाना चाहता है वो स्टूडेंट मतलब रास्ता देख लिया तो कोई उसको नहीं, उम्र में तब उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। ये बात मानती है कि नहीं? जी बिल्कुल सर। और क्या है कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाई से नहीं होती है, शिक्षा हर फील्ड में होती है, हर फील्ड। आज के जेनरेशन में बच्चे, आज के जेनरेशन में जैसे न्यू मॉडर्न टेक्निक्स आए हैं उसमें हर फील्ड में आगे रहना बहुत जरूरी हो गया है। और अगर आप बचपन से ही बच्चे को इस ऐसी फील्ड में अगर आप उनको भेजोगे, एक अच्छे स्कूल में भेजोगे जहाँ वो अपने हर तरह की एक्टिविटी कर सके, आप अपने एक्टिविटीज को और निखार सकोगे, अपनी रुचि को और निखार सकोगे। जैसे कि बहुत लोगों का पढ़ने में ही रुचि होता है, अगर उनको पढ़ने में रुचि है तो वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन बहुत बच्चे का होता है कि उनका इंटरेस्ट खेल कूद में होता है, खेल कूद में भी उनको उत्साह होता है, खेल कूद में भी उनको मौका मिलना चाहिए। और ये कोशिश रहेगी कि पटना में जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अभी तक ओलंपिक्स में कोई नहीं गए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ओलंपिक्स में अभी तक गए नहीं है, और इंडोर्स गेम्स, आउटडोर्स गेम्स, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो ओलंपिक्स में इस्तेमाल होते हैं। एक्सपीरियंस उनका माइंडसेट कर देना चाहिए जिससे वो अपना इंटरेस्ट को आगे ले जा सके। बात किया जाए, छोटे छोटे बच्चे इस पे गिरेंगे भी तो चोट उठ नहीं लगेगी। हाँ हाँ, बात ये है कि यहाँ का मैट इतना मोटा है। अच्छा, उस हिसाब से बनाया गया है, उतना एमएम का बनाया गया है कि अगर गिर भी जाते हैं तो उतना चोट तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर भी चोट लग भी जाता है या कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए हमारे स्कूल में मेडिकल एड्स पूरा प्रोवाइड किया गया है। सारा चीज का फैसिलिटी, सारा चीज की फैसिलिटीज है, मेडिकल एड्स है, सब कुछ है। यहाँ पे बुक रैक्स रखे गए हैं, इन बुक्स रैक्स पे टीचर्स जो है बच्चों की एक्टिविटी मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके बाद उस रिकॉर्ड से देखा जाएगा कि किसकी कितनी
किस किस बच्चे को किस चीज में ज्यादा रुचि है उस हिसाब से उसको टीचर और गाइडेंस देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। हो गया यहाँ पे बच्चे लोग डांस भी सीख सकते हैं, म्यूजिक भी सीख सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इसीलिए भी इस जगह छोड़ा गया है, इतना स्पेस छोड़ा गया है ताकि बच्चे खुल के डांस और म्यूजिक जो भी अपना कर सके उस एरिया के लिए ये इतना स्पेस छोड़ा गया है। अब मैम दिखाने वाली है नर्सरी सेक्शन, और नर्सरी सेक्शन में मैम बताने वाली है क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी है। जी, पहले के टाइम में क्या होता था कि नर्सरी सेक्शन में अगर आप आते थे तो ब्लैक बोर्ड में ए बी सी डी ये सब लिखाया जाता था, एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब हम लोग हमारा और आपका पढ़ने का एक तरीका था। लेकिन आज की न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है जिसे हैंड्स ऑन लर्निंग टेक्निक कहते हैं। अच्छा। जो कि मोंटेसरी एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बच्चों को ए फॉर एप्पल बताएंगे तो उसको सिर्फ हम लोग किताब से या फिर लिख के नहीं बताएंगे, उसके हाथ में यहाँ पे देखिए एक एप्पल का ये दिया हुआ है। अच्छा। ये उसके हम लोग हाथ में थमा देंगे कि ये ए फॉर एप्पल है, और साथ ही इसको हम बोलेंगे, इसको हिंदी में सेब कहा जाता है। अच्छा। जिससे बच्चों को पता रहे कि कौन सी चीज क्या है, यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, साथ साथ सिर्फ थ्योरी बेस पे नहीं, प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन लर्निंग टेक्निक में जो उसको हाथ में दिया जाएगा। हाथ में देने से क्या होता है कि बच्चे उसको अनुभव कर सकते हैं, ये हैंड्स ऑन लर्निंग टेक्निक कहा जाता है इसको। और साथ ही में जब ए प्लस ए बी सी डी का भी जितने होते हैं तो यहाँ पे ये बोर्ड लगाए गए हैं। जी, अल्फाबेट को एक जगह अरेंज करना होता है। जी, अल्फाबेट को ही हम निकाल देंगे, उनको सिर्फ बोर्ड पे लिखना नहीं होगा, अरेंज करके ऐसे बोर्ड से निकाल देंगे और बच्चों को कहेंगे कि वेयर इज ए। अगर टीचर्स होंगे तो वो बोर्ड से निकाल के पिन में लगा देगा। फिर उसको स्पेलिंग भी अरेंज करना होगा अगर, तो स्पेलिंग से हिसाब से भी ए फॉर एप्पल, एप्पल का क्या स्पेलिंग होता है, ए पी पी एल ई, सिर्फ लिख के नहीं प्रैक्टिकली, बच्चे प्रैक्टिकली सब कुछ करेंगे। क्लासरूम ऐसे नहीं, क्लासरूम जो है वो इस तरह से क्लासरूम है, ये हमारे सीट्स है और क्लासरूम के साथ साथ यहाँ पे बेंच पे कितना स्टूडेंट बैठेंगे। जी, एक बेंच में दो स्टूडेंट्स बैठेंगे। अच्छा, सर दो स्टूडेंट। जी, दो स्टूडेंट्स बैठेंगे। अच्छा। और ये साथ ही क्लासरूम के साथ साथ यहाँ पे हमारा लैब है। अच्छा। इसी लैब में हम लोग हैंड्स ऑन लर्निंग टेक्निक करेंगे और फिर विजुअलाइजेशन करेंगे। जी, उसके बाद इससे काउंट करेंगे, वन हो गया, टू हो गया। ये इससे क्या होगा कि बच्चे इसमें सिर्फ काउंटिंग नहीं, कलर्स भी सीख पाएंगे। अच्छा। जैसे कि वन हो गया, वन में कौन सा कलर है, रेड कलर है। उसके बाद बिट्स काउंट करेंगे, दो बिट्स है, कौन सा कलर है, ब्लू। इसके माध्यम से बच्चे काउंटिंग के साथ साथ कलर रिकॉग्निशन भी सीख सकेंगे, जिससे बच्चों को कलर की भी जानकारी हो जाएगी। और ऊपर में ये सब क्या हो गया मैम, ये थोड़ा बड़ा ये हो गया। जी, करते हैं ये वाला टूल हो गया, जैसे कि हम लोग छोटे ही बच्चों के हाथ में, ये हो गया ट्राइंगल। अच्छा। ये हो गया सर्कल, ये पेंटागन, ये स्क्वायर, इन सब का एक शेप्स बनाया है। क्यूब क्या होता है, जी क्यूब क्या होता है, सर्कल क्या होता है। जी, प्रैक्टिकल दीजिए। जी, प्रैक्टिकल भी देंगे और साथ साथ छोटे बच्चों को ये हम बताएंगे कि ट्राइंगल ऐसा होता है। लिख के तो बहुत लोग बना लेते हैं लेकिन छोटे क्लासेस में बच्चे उतना समझ नहीं पाते कि ट्राइंगल है क्या, लेकिन जब वो देखे रहेगा कि ट्राइंगल तीन कोने का होता है, सर्कल राउंड होता है, उसके हाथ में रहेगा तो उसके दिमाग में भी याद रहेगा कि ये ऐसा होता है। और जब वो बड़े क्लासेस में जाएगा तो उसको ये याद रहेगा कि हाँ ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, जिससे उसको आगे के क्लासेस में पढ़ने में बहुत आसानी होगी, जिससे वो बहुत इजिली कंसेप्ट को पकड़ पाएगा। तो यही तरीका है हैंड्स ऑन लर्निंग का। मैं आगे सेक्शन में ये क्या हो गया, ये हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, मतलब हाउस को तैयार किया जाएगा। हाँ, इस ब्लॉक से क्या होता है कि हाउस को तैयार किया जाएगा। थोड़ा सा फन एक्टिविटी भी होता है क्लास में, जिसमें काउंटिंग भी सिखाया जाता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक रिंग दिया गया है और एक रिंग के सामने वन दिया गया है, बच्चे यहाँ वन डालेंगे और एक रिंग है, दो रिंग यहाँ डाला गया है और साथ में यहाँ पे टू है, यहाँ पे तीन रिंग है और यहाँ पे थ्री है। तो इसको सब रीअरेंज करके भी टीचर एक ऐसा एक्टिविटी कराएगा जहाँ पे रिंग्स डाल दिया जाएगा और बच्चे वो नंबर लेके उसके सामने रख देंगे, जिससे बच्चों की गिनती की क्षमता और ये भी याद रहेगा कि वो नंबर कैसा है, वो उसमें आसानी से हेल्प करेगा। और साथ ही हमारे पास ये कुछ ट्रेसिंग बोर्ड्स हैं। अच्छा। ट्रेसिंग बोर्ड से क्या होता है कि कुछ बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो ट्रेसिंग बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके माध्यम से बच्चे ट्रेस करके लिख पाएंगे। क्या होता था, पहले हमें फोर लाइंस दिया जाता था और पेन से या पेंसिल से हम लोग उस पे ट्रेस करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये एक ट्रेसिंग बोर्ड्स उपलब्ध है।